हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पुराने दुपट्टे का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलिए और भी इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक पुराना दुपट्टा लिया हुआ है। अगर आपके पास भी कुछ ढेर सारे पुराने दुपट्टे पड़े हुए शिफॉन के, नेट के, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया क्या है, दुपट्टे को डबल कर लिया है और बीच से हाफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो शेड का दुपट्टा है, तो मैंने अलग अलग शेड को कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके हमें पूरा बीच से कट कर लेना है इसको। और यहाँ से मैंने देखिए इसको हाफ़ कर लिया, तो लंबाई में मैं कट करके हाफ़ कर लूँगी और उसके बाद इन्हीं दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये एक चौड़ी सी हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये दोनों कलर को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया और ये इतनी लंबाई दुपट्टे की हमारी डबल हो गई है। तो ऐसे करके हमें और भी दुपट्टे बीच से हाफ़ करके इसमें जॉइंट करते जाने हैं। और ऐसे करके आप जितना कलर चाहे उतना कलर आप इसमें लगा सकते हैं। एक सेम कलर आपको लगाना है तो आप साड़ी का पीस ले सकते हैं, उसमें से आप बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी लंबी होती है तो आपका आराम से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दुपट्टे का यूज़ किया है और इसके बाद हमें करना क्या है, और भी दुपट्टे लेने हैं उसको भी देखिए ये भी डबल शेड का है, तो इसको भी मैं बीच के सेंटर से कट करके जॉइंट कर दूँगी ताकि ये भी और लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके हम फिर से इसको बीच से कट कर लेंगे और इन दोनों शेड्स को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर से हम इसको में जॉइंट कर लेंगे और ऐसे करते हुए हमें जितना लंबा इसको करना है उतना हमें जॉइंट करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना इसको जॉइंट कर लिया है, ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने इतनी लंबी इसकी जॉइंट करके पट्टी को बना लिया है। अब हमें क्या करना है, एक कॉर्नर लेना है, यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर मैंने ऐसे पकड़ा और यहाँ से हमें ऐसे पकड़ के इसको हमें ऐसे दो उंगलियों से पकड़ना है, ऐसे इसमें हाथ डालकर ऐसे दो उंगलियों से पकड़ के इसको पट्टी को खींच देना है। तो यहाँ पे देखिए इस पट्टी को मैंने खींचा और ये जो होल बना हुआ है इसी में से अब हम दूसरी को फिर ऐसे खींच देंगे, तो फिर से होल बन जाएगा और बस इसी होल में से हमें इन दो उंगलियों की मदद से ऐसे करके इसको खींचते जाना है। ये देखिए, तो ये ऐसे आपकी चोटी का साइज़ बनता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये मैंने फिर से खींचा और फिर ऐसे पकड़ेंगे हम, इस साइड से फिर ऐसे हम खींचेंगे, फिर ऐसे होल में से फिर इसको खींच देंगे। तो ऐसे करते हुए देखिए हमारी हाइट इसकी बनती जाएगी। तो आप जितना लंबा चाहे पहले आप इसको बना लें। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको ऐसे कर दिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी हाइट जब देख लेंगे कितनी हमें रखनी है उसी हिसाब से फिर हमें यहाँ पे ऐसे इसको लास्ट वाला निकाल लेना है और इसको निकाल कर हमें ऐसे इस साइड कर लेना है। तो ये देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो हम इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको इस तरीके से ऐसे खींच कर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया, तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और अब हम ये कपड़ा नीचे की ओर से ऐसे निकालेंगे। तो एक होल में से देखिए मैंने इसको निकाला है, तो इसके आगे वाला जो होल है ये वाला होल, इसमें से फिर से हम उंगलियां डालते हुए इस कपड़े को खींचते जाएंगे। तो एक मैं करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे होल निकला हुआ है, तो अब हम ये इसमें से हम उंगली डालेंगे और यहाँ से इस कपड़े को खींच लेंगे। तो ये देखिए दो होल्स बन गए हैं, ये एक और एक ये दो। तो ऐसे करते हुए हमें तीसरे में भी ब्लॉक में ऐसे डालना है और उसके बाद ऐसे करके खींच देना है।
तो ये देखिए ऐसे ये 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे। फिर से हम इसमें डालेंगे और ऐसे करते हुए चौथा ब्लॉक भी बन जाएगा। तो ऐसे करते हम इसको खींचते जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे करते हुए हम यहाँ तक पूरा इसको ले आएंगे। ये देखिए तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने ऐसे करके पूरे इसी में से ब्लॉक में से इसको खींच दिया है। अब हम इसको वापस से इसको करेंगे सेम प्रोसेस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक हमने बनाया है उसमें से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए जो ब्लॉक हमने बनाया है इसमें से फिर से हम ऐसे नीचे से रखेंगे और इसको खींच देंगे। तो फिर से हमें यहाँ पे इसी ब्लॉक में से हमें फिर से इस दुपट्टे को खींचना है। ऐसे मैंने खींचा और इसके बाद अब हम दूसरे आगे वाले में भी ऐसे ही सेम ब्लॉक में से अब इस दुपट्टे को फिर से खींच देंगे। तो ये देखिए आपका कलर चेंजिंग भी होती जाएगी और ये आपकी लाइन बनती भी जाएगी। तो ये देखिए ऐसे करके हमें छोड़ देना है। फिर से तीसरे ब्लॉक में से भी हम ऐसे करके दुपट्टा खींच लेंगे। दुपट्टे को हमें नीचे ही रख के चलाना है। ये देखिए ये ब्लॉक मैंने ऐसे बनाया, इसमें से अब हम इसमें से भी फिर से खींच देंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है ये। आप एक दो बार इसको अच्छे से बनाकर तैयार करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके फिर से मैंने इसको निकाला और ऐसे करके हम पूरा इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखिए ऐसे करते हुए ये हमारा बनता जाएगा। तो बस आपको ऐसे पट्टियाँ ज्वाइन करते जाना है और इससे इसी तरीके से इसको बनाते जाना। तो ये देखिए ये वाला भी लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये दुपट्टा छोटा हो गया है तो अब हम यहाँ से दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं, सेम कलर लगा सकते हैं, कोई भी कंट्रास्ट कलर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो भी चाहे वो लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ से थोड़ा सा जब बचा रहे दुपट्टा तभी आप इसमें दूसरी पट्टी ज्वाइन कर दें ताकि ये आप अच्छे से इसका प्रोसेस पूरा कर सकें। तो यहाँ पर देखिए करते हुए मैंने यहाँ तक इसको कर दिया है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे इसको हमें पूरा कंप्लीट करते जाना है। तो देखिए मैंने इसमें ढेर सारे कलर्स लगाए हैं, आप चाहे तो एक कलर का भी बना सकते हैं, कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने पूरा इसको कर लिया। अब हमें करना क्या है, जब आपको एंड करना हो तो हमें एंड कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक इसको पूरा बना लिया है। अगर आपको और लंबा करना है तो आप और इसमें दुपट्टे डाल सकते हैं और इसको लंबा कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम फर्स्ट वाली लाइन में फर्स्ट ब्लॉक में एक ऐसे इसको निकालेंगे और इसको दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने क्या किया है, एक पहले निकाल लिया फर्स्ट वाले से और फिर दूसरे के ऊपर रख दिया। अब इसमें से हम दूसरे के ऊपर रखने के बाद नीचे से हम दुपट्टे को खींचेंगे तो ये जो है हमारा साइड ब्लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से बंद हो गया। अब ये वाला जो ऊपर वाला निकला हुआ है ये हम दूसरे पे रखेंगे और फिर से हम नीचे से दुपट्टे को निकाल लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से बंद हो जाए और सेट भी हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए फिर से हम इसको निकालेंगे, फिर से दूसरे वाले के ऊपर रखेंगे और ऐसे करते हुए हम पूरा इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए हम इसको फिर से ऐसे करेंगे, फिर से हम इसमें से निकालेंगे और पूरा इसको लास्ट तक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा एंड हो गया। अब एंड में हम क्या करेंगे, कपड़े को कट कर लेंगे और इसमें से हम फिर से इस पट्टी को निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगी। अब हमें करना क्या है, सुई धागे से यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है ताकि ये जो है ओपन ना हो। तो यहाँ से सुई धागा लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कट करके और इसको हम छोटा कर लेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करके सुई धागे से इसको बंद कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। अच्छे से यहाँ पर सुई धागे से सिलाई कर देंगे बिल्कुल टाइट से।
तो देखिए ये अच्छे से मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया, और जो हमने स्टार्टिंग में भी ब्लॉक बनाना स्टार्ट किया था वहाँ पे भी हम सुई धागे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड की इसकी ये डिज़ाइन आएगी, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन आपकी बनकर ये तैयार होने वाली है। तो आप इस तरीके से बड़े छोटे साइज़ का मैट ब्लैंकेट टाइप आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको वूलन कपड़े से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं ठंडी के लिए, और अगर आपको ऐसे बनाना है बड़ा मैट बनाना है बैक बेड के साइड में रखने के लिए रग बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कारपेट बनानी है जो भी बनाना है आपको, ऐसे डोरमेट के लिए भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो टेबल के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, फ्रिज के टॉप के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसको बनाकर यूज़ में ला सकते हैं। पुराने दुपट्टे का आपका यूज़ हो जाएगा, पुरानी साड़ियों का आपका यूज़ हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी बनकर तैयार हो जाएगी बिना कोई सिलाई के। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।